आपका टेस्टिंग स्टाइल आपके बारे में क्या बताता है? हम तेज संसार के युग में रहते हैं और टेस्टिंग हमारे समय के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में से एक है। फैक्ट यह है कि आप एक पल में दुनिया में कहीं भी मैसेज भेज सकते हैं। यह अविश्वसनीय है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मैसेज करने की आदत आपके बारे में क्या कहती है? या क्या आप यह देखने के लिए थोड़े से उत्सुक है कि क्या आप एक निश्चित टेस्टिंग व्यक्तित्व के प्रकार में फिट होते हैं? शोधकर्ताओं ने लोगों की टेस्टिंग आदतों का अध्ययन करने में काफ़ी समय बिताया है और मानव स्वभाव के बारे में कुछ आश्चर्यजनक परिणाम सामने लाए हैं। हमसे जुड़े क्योंकि हम टेस्टिंग की दुनिया का पता लगाते हैं और पता लगाते हैं कि आपकी टेस्टिंग शैली आपके बारे में क्या बताती है। नंबर 1, नोवेल राइटिंग टेक्स्टर। यदि आप लंबे टेक्स्ट भेजते हैं और आप शायद एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और विस्तार उन्मुख व्यक्ति हैं जो टेक्स्टिंग में संदर्भ को महत्व देते हैं। लंबे टेक्स्ट का मतलब है कि आप बारीकियों में जाना पसंद करते हैं और वास्तव में यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी बात रखते हैं कि कोई गलतफहमी न हो। आप जो कहना चाहते हैं उसके बारे में सोचने के लिए समय निकालते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह इस तरह से कहा गया है जिससे दूसरे व्यक्ति को ठेस न पहुँचे या उन्हें असहज महसूस न हो। यह कई तरह की स्थितियों में फायदेमंद हो सकता है, जैसे कि संवेदनशील विषय पर चर्चा करते समय या किसी विवाद को सुलझाने की कोशिश करते समय। आप अपने इरादों के बारे में बहुत स्पष्ट होने में विश्वास करते हैं और आप मौका देने के लिए कुछ भी छोड़ना पसंद नहीं करते, लेकिन आप जिस तरह से काम करते हैं उसके बारे में बहुत खास है। इस बात की भी बहुत अच्छी संभावना है कि आपको दूसरों पर भरोसा करने में कठिनाई होती है। नंबर 2, शॉर्ट टेक्स्टर। यदि आप अपने आप को आमतौर पर छोटे वाक्यों या ओके या जरूरत जैसे केवल एक शब्द के जवाब में पाते हैं, तो आप शायद अपने विचारों में थोड़ा अधिक आरक्षित होते हैं। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं को दूसरों के साथ साझा करने में सहज नहीं होते हैं। हो सकता है कि बहुत कम लोग हो जिनसे आप खुलकर बातें करते हैं। इसके अलावा आप टेस्टिंग के बजाय आमने सामने संवाद करने में अधिक सहज हो सकते हैं। उसी समय आप चीज़ों पर चीनी की परत नहीं चढ़ाते और अपने शब्दों के साथ नहीं खेलते। आप सीधे मुद्दे पर आने से नहीं डरते। आप जानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और इधर उधर की बातें करने में समय बर्बाद नहीं करते। इस तरह के छोटे पाठ कई बार भावहीन लग सकते हैं, लेकिन आप उनके पीछे खड़े रहते हैं क्योंकि वे आपके बारे में सच होते हैं। यह टेस्टिंग शैली आपके ईमानदार और प्रत्यक्ष स्वभाव को दर्शाती है। नंबर 3, शॉर्ट मल्टीपल टेक्स्टर। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आमतौर पर छोटे लेकिन कई टेक्स्ट भेजते हैं, तो यह स्पष्ट है कि आप ऊर्जा और जीवन शक्ति वाले व्यक्ति हैं। आप चीज़ों को पूरा करने के लिए उत्सुक है और दूसरे व्यक्ति तक जितनी जल्दी हो सके पहुँचने के लिए आपको अपने संचार की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी में हैं, आप बस अपने विचारों के प्रति जुनूनी हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप अपने विचारों की ट्रेन को खो न देंगे। इस तरह की टेक्स्टिंग शैली साबित करती है कि आप एक महत्वाकांक्षी और कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो मज़े करना भी पसंद करता है। आपका मिलनसार और स्नेही व्यक्तित्व आपको एक महान साथी बनाता है और आपकी चुंबकीय आभा सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। नंबर 4, इमोजी फेनेटिक टेक्स्टर। यदि आप ऐसी व्यक्ति है जो इमोजी से भरे हुए टेक्स्ट भेजते हैं, तो संभावना है कि आप औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक बहिर्मुख और अधिक अभिव्यंजन है। आप दूसरों को दिखाना पसंद करते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं और आप वहाँ से बाहर निकलना और जीवन को पूरी तरह से जीना पसंद करते हैं। अनिवार्य रूप से आप एक मज़ेदार व्यक्ति हैं जो चीज़ों को हल्का और आसान रखना पसंद करते हैं।
आप मूर्खता पूर्ण होने से नहीं डरते हैं और आप जानते हैं कि कभी कभी किसी का ध्यान आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका एक अच्छी तरह से इमोजी के साथ होता है। नंबर 5, द ओवरली एम्यूज्ड और ओवरली केयरफुल टेक्स्टर। यदि आप मदद नहीं कर सकते लेकिन प्रत्येक संदेश के अंत में हाहा और लोल जोड़ते हैं तो यह संघर्ष से बचने की आपकी इच्छा का संकेत हो सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि आपके संदेश की व्याख्या आपके इरादे से की गई है। संभावना है कि आप लोगों को खुश करने वाले व्यक्ति हैं जो हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके आसपास हर कोई खुश रहे। आपको मुखर तरीके से खुद को अभिव्यक्तित करने में भी मुश्किल हो सकती है। यही कारण है कि आप संभावित रूप से असहज स्थिति को दूर करने के लिए अक्सर हास्य का उपयोग करते हैं और जबकि यह टेस्टिंग आदत दूसरों को आपके आसपास सहज और सुरक्षित महसूस करने में मदद कर सकती है, इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे कि लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते और आपके संदेश की पूरी सीमा को नहीं समझते। नंबर 6, द ग्रामर गीक। यदि आप अपने पाठ संदेशों में व्याकरण और विराम चिन्हों को महत्व देते हैं और उनका सख्ती से पालन करते हैं तो यह एक संदेश है कि आप विश्लेषणात्मक और विचारशील व्यक्ति हैं। आप अपने संदेशों पर विचार करने के लिए समय निकालते हैं और अपने शब्दों के निहितार्थ पर विचार करते हैं। आप अक्सर टेक्स्ट नहीं करते और शायद टेक्स्टिंग के लिए व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना पसंद करते हैं और यह साबित करता है कि आप ऐसी व्यक्ति है जो आकस्मिक सतह स्तर के आदान प्रदान के लिए सार्थक और गहरी बातचीत को सपोर्ट करते हैं। आपके विचार तार्किक है और आप एक उत्कृष्ट विचारक हैं जो कभी भी त्वरित आवेगों के आधार पर निर्णय नहीं लेते हैं। नंबर 7, के न्यूज ऑटो करेक्ट टेक्स्टर। इस बात की सबसे अधिक संभावना है कि आप गलती से किसी प्रकार की टाइपिंग की त्रुटि वाला टेक्स्ट भेज देंगे और हो सकता है कि आप चीज़ों की स्पेलिंग गलत लिख दे और एक या दो शब्द कुछ छूट जाए। यदि आप अपने संदेश की अत्यधिक गति और मात्रा के कारण लगातार निरर्थक संदेश भेजने की प्रवृत्ति रखते हैं तो यह बहुत संभव है कि आप एक व्यस्त व्यक्ति है जो हमेशा चलते रहते हैं, जिसका अर्थ है कि आप उन्हें भेजने से पहले दोबारा जांच करने के लिए समय नहीं लेते। आपकी टेस्टिंग आदतें एक अनुस्मारक है कि धीमा होना ठीक है और आपको केवल कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है। नंबर 8, द डबल या ट्रिपल टेक्स्टर। यदि आप किसी को दोबारा या तीन बार टेक्स्ट भेजने से नहीं डरते हैं, भले ही उन्हें थोड़ी देर में जवाब नहीं दिया हो, तो आप निर्भीक और बहादुर हैं और आप जो चाहते हैं उसके पीछे जाने से डरते नहीं हैं। हालांकि इसी मूर्खता को कभी कभी अधीरता के रूप में गलत समझा जा सकता है या इससे भी बदतर कुछ लोग इसे बहुत जुनूनी और कंजूस के रूप में देख सकते हैं। इसीलिए यदि आप नहीं चाहते कि आपकी तीव्रता दूसरों को गलत तरीके से परेशान न करे तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता है तो वह व्यस्त हो सकता है, किसी और चीज़ से विचलित हो सकता है या बस आपको रिप्लाई देने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या सोचते हैं आपकी टेस्टिंग शैली कैसी है और क्या आपको लगता है कि आपकी टेस्टिंग की आदतें आपके व्यक्तित्व को सटीक रूप से दर्शाती है? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम इसे बनाना जारी रख सके। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन को हिट करें और नोटिफिकेशन घंटी पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।